अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ, साइलेंट या वाइब्रेशन या फ्लाइट मोड में अवश्य कर दें। बिल्कुल फ्लाइट मोड में कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे तो कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने नहीं पाएगा, करता हूं। और आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि कृपया अब बातचीत बंद कर दें, किसी प्रकार का वार्तालाप, किसी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन कार्यक्रम के दौरान न होने पाए, आप इसको सुनिश्चित कर लीजिए और अपने मोबाइल फोन को अनिवार्य रूप से स्विच ऑफ मोड में कर लीजिए। विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस से फैली कोविड-19 की चुनौतियों के बीच यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के सीमित संख्या में मेधावियों को ही सिर्फ आमंत्रित किया जाएगा और उसी क्रम में आज का यह, क्योंकि कोरोना के साथ साथ जान भी और जहान भी एक साथ चलाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से, अतिथियों से मेरा निवेदन है अपने मोबाइल फोन अनिवार्य रूप से फ्लाइट मोड में कर लें। विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अगुवाई में शोभा यात्रा सभा कक्ष में प्रवेश करेगी। कुलसचिव जी के पीछे विश्वविद्यालय विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय माननीय सदस्यों, विद्या परिषद के माननीय सदस्यों के पीछे विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय सदस्य होंगे। विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय सदस्यों के बाद मानद उपाधि से अलंकृत होने वाली विभूतियां, उनके पीछे उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव श्रीमान अमित नेगी जी, श्रीमान अमित नेगी जी के बाद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्रा साहब और सबसे पीछे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी होंगे। ये क्रम शोभा यात्रा के सभा कक्ष में प्रवेश का होगा और जब शोभा यात्रा की वापसी होगी कार्यक्रम के बाद तो सबसे आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे, उनके पीछे माननीय कुलपति महोदय, उसके बाद श्रीमान अमित नेगी जी, फिर मानद उपाधि से अलंकृत होने वाली विभूतियां और उनके पीछे कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, फिर विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण और अंत में विश्वविद्यालय के कुलसचिव। यह रहेगा जब शोभा यात्रा सभा कक्ष में प्रवेश करेगी तो हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। उस दौरान किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ बैंड आपको आर्मी का जो चल रहा है इसकी आवाज सुनाई देगी। किसी प्रकार का कोई आवागमन, किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट शोभा यात्रा के दौरान प्रतिबंधित रहेगा। शोभा यात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अगुवाई में मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी और जो शोभा यात्रा सभा कक्ष में प्रवेश करेगी उस समय हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर शोभा यात्रा का अभिवादन करेंगे, शोभा यात्रा का अभिनंदन करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आफ्ताब जी अमर उजाला से हमारे बीच में पधार चुके हैं। दैनिक जागरण के भी सम्मानित पत्रकार, विभिन्न समाचार पत्रों के हिंदुस्तान दैनिक से, सहारा से और तमाम अंग्रेजी चैनल से शोभा यात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव जी की अगुवाई में मुख्य द्वार से प्रवेश कर रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर शोभा यात्रा का अभिवादन करेंगे, शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव शैक्षणिक शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। Thank you.
कार्यालय के कुल सचिव की अगुवाई में शोभा यात्रा सभा कक्ष में प्रवेश कर रही है। सबसे आगे विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी के पीछे विद्या परिषद के माननीय सदस्य। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर शोभा यात्रा का अभिवादन करें। सभी अतिथि विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, कार्य परिषद के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के शोभा यात्रा का अभिवादन करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं से एवं आमंत्रित अतिथियों से मेरा निवेदन है कि जब तक शोभा यात्रा मंच पर न पहुंच जाए तब तक अपने स्थान पर हम लोग शोभा यात्रा का अभिवादन करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। राष्ट्रगान के लिए सभी अतिथियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विश्वविद्यालय परिवार को एवं मेधावियों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। मैं दीप प्रज्वलित कर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलित कर विश्वविद्यालय महोदय, माननीय कुलपति महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को शुभारंभ करने की कृपा करें। आप जाओ ना इधर से जाओ, मोबाइल हटाओ साइड में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय अतिथियों का। विश्वविद्यालय का यह तृतीय दीक्षांत समारोह वर्ष 2019 एवं 2020 के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय कुलगीत की प्रस्तुति के समय अपने स्थान पर खड़े होकर विश्वविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति के समय हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। विश्वविद्यालय कुलगीत की प्रस्तुति। जय कुलभूमि करे जयगान मंगलकारिणी जनहितकारिणी पुतला करे जयगान। जय कुलभूमि करे जयगान मंगलकारिणी जनहितकारिणी उत्तराखंड का हो तुम मान। उत्तराखंड का हो तुम मान हिमगिरि मंडित पावन भूमि गंगा यमुना सिंचित भूतुं
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा हेतु मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं। मैं कुलाधिपति महोदया की आज्ञा अनुसार हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव श्रीमान अमित नेगी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन कि माननीय श्रीमान अमित नेगी जी को, साथ ही मानद उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रोफेसर डीके शर्मा जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन। मानद उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मिश्रा जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि उनका स्वागत करने की कृपा करें। और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह साहब को, जिन्हें मानद उपाधि से अलंकृत किए जाने का कार्यक्रम है, माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह साहब को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या एवं उपलब्धियों की प्रस्तुति तथा अतिथियों के स्वागत हेतु मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदया हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय, अति विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड सरकार श्री अमित सिंह नेगी जी, सचिव प्रभारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर पंकज पांडे जी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा मिस्टर इगोर किशोर पंत जी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं शैक्षिक परिषद के माननीय सदस्यगण, नामित डॉक्टर ऑफ साइंसेज ऑनरेस क्वाजा से सम्मानित सभी चिकित्सकगण, राज्य विद्यालय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कुलपति गण, विद्यालयों के निदेशक प्राचार्य और प्राचार्या, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उनके माता पिता एवं संरक्षक गण, आमंत्रित अतिथिगण एवं मीडिया प्रभारी मित्रों, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं हेमती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं उत्तराखंड राज्य का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। आज यहाँ उपाधि पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्हें आज इस दीक्षांत समारोह में उपाधि एवं सम्मानित किया जा रहा है। प्रोफेसर सुनील प्रधान पद्मश्री, विभागाध्यक्ष निरोधी विभाग संजय गांधी PGI लखनऊ, प्रोफेसर संजीव मिश्रा निदेशक एम्स जोधपुर, प्रोफेसर सौदान सिंह विभागाध्यक्ष दीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम पूर्व कुलपति हेमती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा आज डॉक्टर ऑफ साइंसेस ऑनरेस क्वाजा से सम्मानित किया जा रहा है, वो भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में कार्यरत संकाय गण एवं कर्मचारी, जिनके अथक प्रयास से इस समारोह हेतु अपना सहयोग प्रदान किया गया, सभी सम्मान के पात्र हैं। मैं विश्वविद्यालय से संबंधित मेडिकल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों को समय समय पर अपना सहयोग प्रदान किए जाने हेतु सदैव तत्पर रहने पर बधाई देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय से संबंध समस्त कॉलेजों के प्राचार्य उदय एवं संकाय सदस्य को विश्वविद्यालय एवं समस्त संस्थानों के योगदान हेतु उनकी भावनाओं एवं समर्पण के साथ सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हेमती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय कानून पालक, भ्रष्टाचार मुक्त और उत्कृष्टता सम्मुख उन्मुख शिक्षण संस्थानों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पालन करता है। विश्वविद्यालय का मानना है कि उत्कृष्टता पाने के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं, नैतिक मानकों और अनुसरणीय सेवाओं का होना अति आवश्यक है। आप विदित हैं कि भारत एक विकासशील देश है, जहां आज 30% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। स्वास्थ्य बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के पहल के कारण भारत में प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिगत वित्त पोषण की अवधारणा धीरे धीरे बढ़ रही है। लगभग 3% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत है, जबकि बची हुई 78% जनसंख्या अपने जेब से खर्च करती है। केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत देश में निर्धन एवं निर्बल नागरिकों को समान स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत निःशुल्क प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ शहरी नागरिकों को भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड में उक्त योजना के साथ साथ अटल आयुष्मान योजना भी शुरू की गई है। उत्तराखंड में अभी तक उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत लगभग 38 लाख कार्ड बन चुके हैं तथा 1,96,000 लाभार्थियों द्वारा इसको उपयोग किया गया है। और इस उपचार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा 152 करोड़ रुपये अभी तक खर्च कर लिए हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 4 मेडिकल कॉलेज, 22 नर्सिंग, 14 पैरा मेडिकल संस्थान कॉलेज संबद्ध हैं और आने वाले समय में 4 मेडिकल कॉलेज और 10 पैरा मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस शीघ्र ही संबद्ध हो जाएंगे।
जिनमें कि MD-MS पाठ्यक्रम में 118, MBBS में 1965, नर्सिंग संबद्ध के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल मिला के 3122 एवं पैरामेडिकल संवर्ग में 843 छात्र छात्राएँ, कुल मिला के 6047 छात्र अध्ययनरत हैं। इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा दो राजकीय मेडिकल कॉलेज में कुल 176 MBBS छात्र छात्राओं को उपाधि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त MD-MS 82, BSc नर्सिंग 319, MSc नर्सिंग 63, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 97, NPCC 5, पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न कार्यक्रमों के 180 सहित कुल 922 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जा रही है। मुख्यतः रोगियों की देखभाल के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज में आधुनिक प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी का विकास निरंतर बढ़ रहा है। हमारा प्रयास भी यही रहा है शुरू से कि हमारे प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग या पैरामेडिकल कॉलेज में एकदम नई प्रणालियों का उपयोग हम लोग लाने में तत्पर रहते हैं। COVID-19 महामारी के उत्तराखंड राज्य सहित संपूर्ण विश्व को भयभीत किया है। उत्तराखंड राज्य के मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों द्वारा दिन रात किए गए अथक प्रयासों के कारण COVID-19 रोगियों के उपचार एवं रोकथाम हेतु अपनी दक्षता प्रस्तुत की है। केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था, धन सामग्री एवं उपकरणों की उपलब्धता हेतु सुविधाजनक वातावरण तैयार किया गया है। चिकित्सा उपायों का विकास, रोगियों के लिए बिस्तर एवं ICU की उपलब्धता के कारण राज्य में मृत्यु दर में कम होने में सहायक सिद्ध हुई है। इस महामारी में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सीय स्टाफ द्वारा भी चिकित्सकों के साथ अपना पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। मेरे कुलपति पद ग्रहण करने के उपरांत पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से अपनी नियमित कार्य प्रणाली की वृद्धि की है, जिनमें कि निम्न विशेषकर हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार PhD कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत महोदय आपको बताना चाहूँगा कि 38 अभ्यर्थियों छात्रों का एडमिशन हो चुका है। पहली बार इस विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सहयोग से इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च की हमने शुरुआत कर दी गई है। सुपर स्पेशलिटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि नर्सिंग छात्र जो कि ऑलरेडी नर्सिंग कर चुके हैं या पैरामेडिक छात्र जो कर चुके हैं, और हमारे प्रदेश के 18 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस बार 56 लोगों को ट्रेनिंग के लिए हमने एनरोल किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा दून मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर के इग्नू के सहयोग से हमने 4 प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, जिनमें कि PG डिप्लोमा हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, और 2 प्रोग्राम और शीघ्र ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के हमारे चिकित्सक एवं मेडिकल कॉलेजेस के संकाय सदस्यों हेतु एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली बार यहाँ स्टार्ट किया है। और मुझे सूचित करते हुए अति हर्ष हो रहा है कि 82 चिकित्सक एवं संकाय सदस्यों को ट्रेन किया जा चुका है। विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा नीट के संचालन हेतु काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, और पिछले 5 सालों से लगातार ये जिम्मेदारी निभा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों की काफ़ी कमी थी। मेरे ज्वाइन करने के उपरांत 217 संकाय सदस्यों को एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के बेस पर अपॉइंटमेंट किया गया है, और शीघ्र ही उनका जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू स्टार्ट 12 तारीख से चयन आयोग द्वारा स्टार्ट होने जा रहा है। विभिन्न पत्रिकाओं में की बात यह है कि राज्य सरकार के सहयोग से संस्थान विश्वविद्यालय को एक फुल टाइम प्रमाइसिस सेलाकुई के आसपास 18 एकड़ जमीन अलॉट हो गई है, जिसमें कि ऑलरेडी एक बिल्डिंग काफ़ी भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, और बहुत जल्दी उसका हम शुभारंभ
आशा करता हूं कि फरवरी तक हम वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और रिनोवेशन का काम वहां पर जल्दी शुरू हो जाएगा। कुलाधिपति महोदय के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय द्वारा सीएससी रायपुर को आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ एवं कार्य संचालन हेतु गोद लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा समक्ष परीक्षाएं और किसी भी प्रकार के प्रोग्राम जो हैं हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए गए हैं, चाहे वो एडमिशन हो पूरे स्टेट में नीट के थ्रू या हमारे नर्सिंग के या पैरामेडिक्स के और या एग्जामिनेशन, सब ऑनलाइन डिजिटल मोड से शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा विश्वविद्यालय के समस्त COVID-19 महामारी के समय विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के स्टाफ द्वारा और खासकर उत्तराखंड सरकार द्वारा मुझे एक अहम भूमिका दी गई। काफ़ी ऐसे कमेटीज हैं जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया और मेरे द्वारा कोशिश ये की गई कि हम इसका पूरा पालन करें। और साथ में COVID-19 के लिए टेली कंसल्टेंसिंग हमने करोना बात करोना क्या है ये एक मुहिम स्टार्ट की थी। विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा सेतु ऐप का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से और हमारे राज्य सरकार के सहयोग से स्टार्ट किया गया है, जिसका कि उद्घाटन हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने के बाद और यहाँ के कुलपति मुझे डॉक्टर हेमचंद्रा को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन एडिनबर्ग और ग्लासगो द्वारा FRCP की उपाधि दी गई है और ये बताते हुए मुझे हर्ष है, मेरे गुरुजी भी यहाँ पर डॉक्टर DK शर्मा साहब बैठे हैं, कि मैं अपने फील्ड में प्रथम व्यक्ति हूँ जिनको कि दो फेलोशिप मिली हुई है FRCP जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। और अंत में ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद मेरे द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई, जिसका एक का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कम्बलों द्वारा होगा, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया एट ए ग्लांस। और एक किताब मैंने 12 साल पहले हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एट ए ग्लांस ली थी, उसका हमने अपग्रेडेशन 10 साल बाद किया है। मुझे राज्य सरकार द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी का एक सदस्य नामित किया गया है। प्रिय छात्रों, चिकित्सा अध्ययन को पूरे विश्व में एक श्रेष्ठ एवं कठिन अध्ययन माना जाता है, जो हमें जीवन मानव जीवन की रक्षा करने की शक्ति के साथ साथ सेवा करने की जिम्मेदारी प्रदान करता है। चिकित्सकों में ईश्वरीय कृपा एवं सहयोग से रोगियों को ठीक करने की क्षमता होती है। मैं आप सभी से ऐसी अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में अपनी शिक्षा को मानव जाति की सेवा में लगाएं, जिसके लिए आपको प्रशिक्षित किया गया है। आज आप सभी इस अनिश्चितता के समय से देश में सबसे बड़ी चुनौती COVID-19 नामक महामारी से सामना कर रहे हैं। आने वाला समय हमारे लिए कठिन है, परंतु मुझे विश्वास है कि आप सब विकट समय में अपने मानसिक सुदृढ़ता का परिचय जरूर देंगे। प्रिय छात्रों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की भारी कमी है के मध्य यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक डिग्री धारक, खासकर MBBS स्टूडेंट को उसकी पदोन्नति के ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दिए जाने की व्यवस्था हम सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विद्यार्थी अपने व्यवसाय के समान बहुत कुछ शिक्षा क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष यह सम्मान मिला हुआ है, अतः आप सभी पर एक महान दायित्व भी होता है। अंत में मैं विश्वविद्यालय से सभी विद्यार्थियों को, जो कि अपूर्ण चिकित्सक बन चुके हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। समस्त DSC ऑनरिस कॉजा मानद उपाधि धारकों को पुनः शुभकामनाएं एवं विश्वविद्यालय से मानद उपाधि स्वीकार करने हेतु धन्यवाद देते हुए ये कामना करता हूं कि भविष्य में विश्वविद्यालय के अग्रसर होने हेतु आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हमेशा सदैव आभारी रहूंगा कि वर्तमान समय में आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित किया है। अन्य सभी सम्मिलित गणमान्य जन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस
समारोह की शोभा आप द्वारा बढ़ाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी इस प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा में अपना पूर्ण योगदान दे करके एक उत्तराखंड को एक बेहतर मिसाल के रूप में पेश करेंगे। विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु आप द्वारा कुछ समय पूर्व ही सेलाकुई के निकट 18 एकड़ भूमि आवंटित की है तथा इसमें शीघ्र ही 100 बेड का इंफेक्शस डिजीज हॉस्पिटल बनने का प्रस्तावित भी है। आज इस अवसर में महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उक्त भूमि की सुरक्षा संस्थान हेतु पक्की चार दीवारी एवं विश्वविद्यालय तक पहुँचने हेतु पक्की सड़क का निर्माण की आवश्यकता है और अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इन कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र करवाने की कृपा कराएंगे। मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्ष 2021 के माह जनवरी फरवरी तक विश्वविद्यालय इस भूमि पर अपना कार्य शुरू कर देगा। महोदय, आपके उत्कृष्ट नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर अकादमिक उत्कृष्टता के पद पर अग्रसर है। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार महापुरुषों को, महानुभावों को DSC की मानद उपाधि से अलंकृत किए जाने का कार्यक्रम है। इस क्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर सुनील प्रधान जी, जिन्होंने MBBS, MD तथा को देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपके चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आप शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अमृत मोड़ी यूनिचेम अवक निदेशक एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, साथ ही आपको एम्स गोरखपुर एवं राजकोट का अतिरिक्त प्रभार भी है। आप एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड के वर्ष 2016 से 17 तक निदेशक रह चुके हैं। आपकी MBBS की शिक्षा KGMC लखनऊ से संपन्न हुई, जहां आपको अध्ययन के दौरान 17 स्वर्ण एवं रजत पदक से अलंकृत किया गया। आपने MS जनरल सर्जरी में KGMC तथा MCH इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलुरु से की। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल में आपको महारत हासिल है। आप देश और दुनिया में इस क्षेत्र में कई उल्लेखनीय शोध कार्य संचालित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी शोध वैज्ञानिकों के रूप में स्थापित हैं। आपके 150 से भी अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके अद्वितीय एवं उल्लेखनीय शोध के लिए आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, ग्लासगो एट एंडम प्रमुख हैं। आप कई विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जिसमें किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लिवरपूल UK, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग एंड मेयो क्लिनिक USA प्रमुख हैं। आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अध्यक्ष के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया UP चैप्टर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी के सदस्य एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी कैंसर ट्रीटमेंट फ्रांस की साइंटिफिक कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य संपादित कर चुके हैं। आप एनल्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडिटर इन चीफ के साथ साथ देश एवं दुनिया के कई शोध पत्रिकाओं के एडिटोरियल बोर्ड में सलाहकार सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश की चिकित्सा विज्ञान के विकास में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। आपके चिकित्सा विज्ञान के विकास एवं शोध में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्यों के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय आपको DSC की मानद उपाधि से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। धन्यवाद सर। प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह की MBBS की उपाधि आपने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से प्राप्त की, MD कम्युनिटी मेडिसिन आपने एम्स न्यू दिल्ली से तथा PhD ओसाका विश्वविद्यालय मेडिकल स्कूल जापान से प्राप्त की। आपने पिछले 3 से भी अधिक दशकों से देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनिक और शैक्षणिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, जिसमें डायरेक्टर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO, डायरेक्टर नेशनल बायोमेडिकल सेंटर ऑफ ICMR सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश सरकार, डायरेक्टर रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च
सैफई उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के अतिरिक्त आपको कई प्रतिष्ठित संस्थानों एवं समितियों में चेयरमैन तथा सलाहकार सदस्य के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NIHFW न्यू दिल्ली के साथ साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों की चयन समिति के सदस्य एवं चेयरमैन, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम में कार्य करने का आपको अनुभव प्राप्त है। आप हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का दायित्व का भी निर्वहन कर चुके हैं। कुलपति के रूप में आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए विशेष तौर पर नीट 2017 की काउंसलिंग का सुचारू संचालन के लिए आपको तत्कालीन कुलाधिपति डॉक्टर के पॉल द्वारा प्रशंसनीय पत्र भी प्रदान किया जा चुका है। आप देश में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय एवं उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के विकास एवं शोध कार्यों में उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्यों के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय आपको DSC की मानव उपाधि से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। धन्यवाद सर। प्रोफेसर डॉक्टर DK शर्मा वर्तमान में एम्स न्यू दिल्ली में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, साथ ही नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व भी है। डॉक्टर शर्मा मेडिकल ग्रेजुएशन रोहतक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से आपने किया, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्स न्यू दिल्ली से प्राप्त की। चिकित्सा विज्ञान की प्रोफेशनल सेवा में आपको 35 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें 30 से भी अधिक वर्ष आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न स्तरों में शिक्षण शोध एवं प्रशासन प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। आप वर्ष 2005 से एम्स न्यू दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से क्वालिफाइड मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के रूप में कार्यरत हैं। आपको सामान्य प्रशासन, क्लिनिकल, पेशेंट केयर, मटेरियल, पर्सनल एवं फाइनेंशियल प्लानिंग तथा नीति निर्धारण का काफ़ी लंबा एवं अच्छा अनुभव प्राप्त है। वर्ष 2017 से आप प्रतिष्ठित राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देश के विभिन्न संस्थानों, केंद्र सरकार के विभिन्न समितियों, विभिन्न राज्य सरकार के विभिन्न समितियों, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में सलाहकार सदस्य के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपके कई शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। दर्जनों शोध छात्रों को आप शोध संचालित करा चुके हैं। आपकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल बॉडीज के फेलो एवं आजीवन सदस्य के रूप में चिकित्सा विज्ञान के विकास में आप अपना अमूल्य एवं उल्लेखनीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के विकास एवं शोध में उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्यों के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय आपको DSC की मानद उपाधि से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि इन विभूतियों को DSC की मानद उपाधि से अलंकरण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। DSC ऑनरेस कोजा प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर संजीव मिश्रा, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी को DSC की मानद उपाधि प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रोफेसर मिश्रा जी का अभिवादन करें। प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह साहब को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए DSC की मानद उपाधि से जोरदार तालियों के साथ सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि माननीय प्रोफेसर सौदान सिंह साहब को हार्दिक अभिनंदन करें। प्रोफेसर DK शर्मा,
प्रोफेसर डीके शर्मा, चिकित्सा विज्ञान के विकास में आपके उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए हेमवतीनंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय आपको डीएससी के मानद उपाधि से अलंकृत कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। प्रोफेसर प्रधान आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वर्चुअल मोड में हमारे समक्ष रहेंगे। उनको अनुपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपाधि महोदय से निवेदन है कि प्रोफेसर प्रधान साहब को उनकी अनुपस्थिति में उन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय, श्रीमान अमित नेगी जी एवं मानद उपाधि से अलंकृत होने वाली विभूतियां, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षोपदेश प्रदान करने की कृपा करें। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रत्येक खंड के अंत में मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आप दोहराएंगे। माननीय कुलपति महोदय, उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षोपदेश प्रदान करने की कृपा करें। मैं अपने वैदिक शास्त्र का प्रयोग विवेक व गरिमा से करूंगा। मेरे रोगियों का स्वास्थ्य एवं उनकी जिंदगी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। मेरे रोगियों द्वारा मेरे प्रति किए गए विश्वास को मैं गुप्त रखूंगा। मैं चिकित्सा सेवा के मान व उच्च आदर्शों को कायम रखूंगा। मेरे सहयोगी मेरे भाई बहन होंगे। मैं अपने कर्तव्यों और रोगियों के बीच किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, दलगत राजनीति और सामाजिक स्थिति को आड़े नहीं आने दूंगा। मैं मानव जिंदगी के प्रति परम आदर को बनाए रखूंगा। किसी भी प्रकार की धमकी में भी मैं अपना ज्ञान को मानवता के विरुद्ध प्रयोग नहीं करूंगा। मैं शपथ में मुक्त भाव से अपने सम्मान के लिए ले रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। विश्वविद्यालय के वर्ष 2019 एवं 2020 के उपाधि प्राप्तकर्ता अग्रसर हों, कुल सचिव उपाधि प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत करेंगे। महोदय, मैं आपके समक्ष सत्र 2020 MDMS 51 अभ्यर्थी, MBBS 176 अभ्यर्थी, MDMS 31 अभ्यर्थी, MSc नर्सिंग 63 अभ्यर्थी, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 97 अभ्यर्थी, BSc नर्सिंग 319 अभ्यर्थी, MSc मेडिकल कोर्सेज 12 अभ्यर्थी, BSc ऑप्टोमेट्री 41 अभ्यर्थी, BSc माइक्रोबायोलॉजी 24 अभ्यर्थी, BSc MLT 60 अभ्यर्थी, BMRIT 35 अभ्यर्थी, DMLT 8 अभ्यर्थी, कुल 922 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये इसके योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाना संभव नहीं हो सका। केवल विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंकों के आधार पर पदक पाने वाले छात्रों को आमंत्रित किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियाँ प्रदान की जाए। हेमवतीनंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के
कुलाधिपति महोदया के आज्ञा अनुसार सभी उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को इस विश्वविद्यालय की एमडी, एमएस, एमबीबीएस, एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमएससी मेडिकल कोर्सेज, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएमआरटी, डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी ई की उपाधियां प्रदान करता हूं। आपको चाहिए कि आप जीवन भर अपने को इन उपाधियों के अनुरूप प्रमाणित करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं विश्वविद्यालय के पदक विजेता अभ्यर्थियों को पदक प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ओवरऑल टॉपर इन एमडीएमएस कोर्स बैच 2016-19 डॉक्टर चारू जखवाल, एमडी एनेस्थीसियोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। डॉक्टर आकाश, एमएस जनरल सर्जरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। ओवरऑल टॉपर इन एमडीएमएस कोर्स बैच 2017-20 डॉक्टर प्रेरणा सिंह, एमडी एनाटॉमी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। डॉक्टर भाग्यश्री, एमडी पैथोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। डॉक्टर भास्कर पैन्यूली, एमएस ऑप्थल्मोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। टॉपर लिस्ट एमबीबीएस बैच 2014-19 कोई है नहीं इसमें, अच्छा इसमें नहीं। ओवरऑल टॉपर इन एमएससी नर्सिंग कोर्स बैच 2017-19 अनीता शर्मा, एमएससी नर्सिंग, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून। ओवरऑल टॉपर इन एमएससी मेडिकल कोर्सेज बैच 2016-19 अखिल अंथवाल, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, श्री गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, देहरादून। टॉपर लिस्ट बीएससी ऑप्टोमेट्री बैच 2016-19 निर्मला गोस्वामी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, उधम सिंह नगर। टॉपर लिस्ट बीएससी मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी बैच 2016-19 निवेदिता उपाध्याय, बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, देहरादून।
उत्तरा चौहान बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, श्री गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल देहरादून। टॉपर लिस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग बैच 2015-19 कल्पना भट्ट बीएससी नर्सिंग स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। जरा ताली जरा जरूर बजवाएं सब लोग। टॉपर लिस्ट ऑफ एनपीसीसी बैच 2017-19 रोहित अली पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस हल्द्वानी। तालियां नहीं बज रही है। टॉपर लिस्ट ऑफ डीएमएलटी बैच 2017-19 प्राची त्यागी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी उत्तराखंड उत्तरांचल पीजी कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल देहरादून। टॉपर लिस्ट ऑफ बीएमआरआईटी बैच 2016-19 सुरुभि वर्मा सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल उधम सिंह नगर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसी के साथ ही सर डॉक्टर एमसी पंत बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड को भी आज प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर प्रोफेसर एमसी पंत जी हेमवतीनंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय एवं अद्वितीय कार्यों के लिए आपको पद्मश्री एवं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के साथ साथ देश एवं विदेशों में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपकी स्मृति में उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित करने वाले मेधावियों को डॉक्टर एमसी उत्कृष्ट शोध पत्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस क्रम में डॉक्टर प्रेरणा सिंह एनाटॉमी, जोरदार तालियों के साथ इन मेधावियों का स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर स्मृति फार्माकोलॉजी, डॉक्टर प्रेरणा के बाद डॉक्टर स्मृति फार्माकोलॉजी। डॉक्टर स्मृति, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर स्मृति। डॉक्टर दीपिका लोहानी ऑप्थल्मोलॉजी। डॉक्टर दीपिका लोहानी डॉक्टर प्रियंका चौरसिया बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय, माननीय अतिथियों का। डॉक्टर प्रियंका चौरसिया, जोरदार तालियों के साथ इन मेधावियों का अभिनंदन करें, इनका अभिवादन करें। इन्हें डॉक्टर एमसी पंत बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, बड़े गौरव के पल हैं।
इन सभी मेधावियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन इन्हें प्राप्त हो रहा है। हम सब का सौभाग्य है कि आज के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेधावियों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अतिथियों का कि आपने स्वर्ण पदक विजेताओं के साथ समूह फोटोग्राफी के लिए माननीय मंचासीन अतिथियों से निवेदन है। स्वर्ण पदक विजेता मेधावी बधाई के पात्र हैं। इस कोरोना काल में 922 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की गई आपके द्वारा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की चुनौतियों के बीच सिर्फ स्वर्ण पदक विजेता मेधावियों को ही आमंत्रित किया गया। स्वर्ण पदक विजेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथि समूह फोटोग्राफी के लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण पदक विजेता उधर ही से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद डॉक्टर MC बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्डीज समूह फोटोग्राफी के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर MC बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्डीज डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर स्मृति, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर प्रियंका समूह फोटोग्राफी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि डॉक्टर MC बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्डीज के साथ समूह फोटोग्राफी करवाने की कृपा करें। और ऊपर दिखाओ, इसको ही बोलो ऊपर दिखाओ, चेक दिखाओ, चेक दिखाओ ना ऊपर गर्दन के यहाँ, गर्दन में छुपाना। यही है आपका? नहीं नहीं, ये तो मेरे हैं सर, ये है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य है कि आज चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिन विभूतियों को मानद उपाधि DSC की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया, मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। Good afternoon, Honorable Chancellor and Governor of Uttarakhand, Madam Baby Rani Maurya Ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Trivendra Singh Rawat Ji, Professor Hemchandra, Vice Chancellor Hemvati Nandan Mahugna, Uttarakhand Medical Education University, Professor Swadan Singh, Professor D.K. Sharma, Shri Negi Saab. It's with great humility that I accept this honor that has been bestowed on me. And I'm grateful to the Honorable Chancellor and the Honorable Chief Minister, Government of Uttarakhand, and the Vice Chancellor, Hemvati Nandan Bhagunaya Medical University, who considered me worthy of this degree. I would take this opportunity to thank all the people who have made this possible. First and foremost, my teachers, and my parents, Professor N.C. Mishra and Dr. P.K. Mishra, who were also my teachers and taught me the ethics of medical profession, and that compassion, empathy, and humility are the biggest virtues of a doctor. I would like to thank all the patients who have been a constant teacher in my life. Each case has taught me that there is a lot to learn and has been a motivation for me to strive higher and higher. I congratulate all the graduates and awardees for the MBBS, postgraduate, paramedical courses, nursing, for achieving the success in their lives. A special congratulations to the proud parents who have been the inspiration behind their awards in their academic journey. An important thing to remember in medical profession is that there is a continuous learning every day, and none of us are masters, but all are lifelong learners. The earlier we realize this and follow this principle,
That is, I think, the best way we can serve in our profession. At all levels, remember to be humble and full of empathy towards your patients and colleagues. There is no bigger recognition than being recognized as a good human being. And for a doctor, it holds even more importance. In a country like ours, where doctors are considered next to God, you will have to work and maintain the nobility of this profession. It is important to communicate with the patients and the relatives with compassion. The trust between the patients and the treating team is a delicate balance. And as doctors and paramedics, we need to. It is important that not only we stress on the curative aspects, but we also need to make people about the preventive aspects of the disease. Being from an oncology background for treating cancer patients, this is so important when we talk of diseases, and they said 60-70% of the cancers are lifestyle related. With the changing lifestyle, eating habits, and newer emerging diseases, COVID is just one example of it. It is important to have a holistic approach to diseases. To the faculty of the university from the different medical colleges, I think the teachers also deserve a very big applause, and they also deserve a big thank you for doing such a fantastic job for training the undergraduates and the postgraduates to see that the students graduate and go out to the society to serve. Please continue to do the wonderful job and continue to teach with passion, because a good teacher, you can make a difference to not a single person, but to the entire society and a nation. I would also take this opportunity to thank my students who have ensured that as a teacher, that we keep ourselves updated of the latest developments in the field and have always motivated me with their energy and ideas. You never go old if you are a teacher. I express my heartfelt gratitude to my wife, Dr. Astha, and my children, Pranav and Radhika, today. And in the end, I would once again like to express my gratitude to Hemati Nandan Bhaguna Medical Education University, Honorable Chancellor, Chief Minister, and Honorable Vice Chancellor for this honor. I am humbled by it. Thank you, sir. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर मिश्रा साहब. इस क्रम में मैं प्रोफेसर सौदानसिंह साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें. प्रोफेसर डॉक्टर सौदानसिंह. ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड एंड चांसलर ऑफ HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, प्रोफेसर सुनील प्रधान, प्रोफेसर संजीव मिश्रा, डॉक्टर DK शर्मा, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर हेमचंद्रा, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया पर्सन्स, रजिस्ट्रार ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विजय ज्वाल, पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लेडीज जेंटलमैन, इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू रिसीव दिस डिग्री ऑन द मोमेंटस ओकेजन ऑफ द थर्ड कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ द HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी. I feel tremendous gratitude to having been given this recognition. My dear students, my heartiest congratulations to you and your achievements. My special words of appreciation to those who have distinguished themselves by winning gold medals and awards. No institution no university is made in a single day or by a single person. It is a pursuit of the demands, time, patience, teamwork, and all inspiring vision. HNB Medical University in its present form is a certification of these efforts. It is a matter of great pride that you have successfully completed graduation, post-graduation degrees from this eminent medical university. Like many of you, I come from a small place in UP where we faced many challenges in attempting to acquire a higher education, changes in the form of financial constraints, lack of access to advanced learning tools, long distance schools, and general apathy to higher education in the society. However, with the grace of God Almighty and the resilience and focused efforts
I was able to break the shackles of economy and social difficulties and rise above them all and got admission in medical course. And I am forever grateful for the blessings of my parents, without which I would have never been able to attain who am I. I am also grateful to my teachers who gave me the encouragement and motivation to aspire for more. My passion to serve the community at large, for me, I chose to the community medicine as my specialty. In the course of my career as community medicine physician, my team and I were faced with the situation with the required both strength and adaptability at the time when the country was facing severe crisis because of the polio epidemic. We were given the task of spearheading the polio eradication campaign under the leadership of Honorable Health Minister Dr. Harshvardhan. We diligently devised, implemented vaccination surveillance measures, worked at the national level, and ultimately implemented at the all over India and eradicated polio. Devising ways to impart the world-class medical education to the Indian medical graduates has been one of my most topmost priorities. As the Vice Chancellor of this university, I brought from the idea of the implementing academic excellence or academic calendar and streamlined the medical curriculum to allow systemic implementation and evaluation. When I was the principal VRD Medical College Gorakhpur in 2005, we faced one of the severe outbreak of Japanese encephalitis in part of the Uttar Pradesh, crippling disease with high mortality. However, with the undeterred resolve, we built a strategy to overcome this epidemic. 10 months ago, the world has witnessed unprecedented event of COVID virus wreaked havoc in the lives of the most intellectual and evolved species on the planet. Lives have been lost, lockdown have imposed, livelihood perished, and lifestyles changed across the globe and yet continue to survive, to adapt and struggle under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. The country has stood steadfast amidst the social and economic crisis caused by this pandemic, as the Honorable Prime Minister has repeatedly reiterated in his speech to the nation. We are the country of resilient individuals and will no doubt continue to show strength of the difficult times. And today, let us all be joy at the achievement of our young medical professionals that are achieving their graduate and postgraduate degrees. Though this is a virtual ceremony, but cherish the joy of your achievement. Remember the hard work and its efforts put into accomplishing the milestone, not only by your sacrifice as a student, but the endless support of your family, guidance by the teachers, by your friends, and the blessing of the Almighty God. Don't forget to enjoy this beautiful journey that you have. You are about to embark upon. So this ceremony would not have been possible as the world in this dire need of the dedicated medical professions in how this has been organized. So you are needed in the country and in the state. Most of you will now pursue the post-graduation and tertiary care hospital. Some of may go to the super specialty or art-like facility, or some may join in the rank of the, you can say, researcher, or some may join the COVID warriors, you can say, researcher, or some may join the COVID warriors in the heart of the community, or maybe the next bright mind to find a cure for the COVID, or cure for the COVID, or HIV, or rabies, is receiving their degrees today. Whatever you may choose to be, remember, before you have reached your ultimate destination, if you always strive for the excellence, you can and should have a substantial impact on the world in which you live.
With these words, I wish you all the very best. Worthy Vice Chancellor, Professor Hemchandra Ji, esteemed Health Secretary, Shri Amit Singh Negi Ji, Registrar, Shri Sarun Singh Rawat Ji, my fellow recipients of this prestigious honor, distinguished dignitaries of the dais, the university awardees, the students receiving their degrees, and their proud parents. I am indeed deeply honored and humbled to have been conferred this honorary doctorate degree, DSc, honoris causa, and to join all of you as an alumnus of this prestigious university. As I look back at my 15 years of being the medical superintendent and nearly 30 years of being a faculty in the prestigious All India Institute of Medical Sciences, I feel truly privileged to be serving in a profession that not just saves life, but teaches the chosen few to serve the humanity, a chosen few just like you. Thus, today, we are here to celebrate your achievements. Therefore, I am truly joyous to be present here, and I am truly joyous to be present here as the witness to this important rite of passage, the convocation ceremony. Medicine is a calling and not just an occupation. You, the young men and women who are getting their degrees today, are the ones who will go to shine a light at many whose lives are in darkness and to whom you will be the only beacon of hope. You will possess great powers, the power to influence others, the power to change health outcomes, and to change the destinies of those who will be working under you. But with power also comes a responsibility. Your words will be taken as the gospel truth. Your actions will be held in high esteem. Therefore, be prepared to be accountable for everything that you do. Be prepared to welcome your patients' participation in decisions about their care. Be prepared to devote your professional energies to not only to your patient needs, but also to unmet health needs of our society as a whole, and to meet them with our limited resources which are available. To the vast majority, the medical education represents the pinnacle of achievement. For where else can you learn to treat the sick, undertake path-breaking research, teach and train healthcare professionals of tomorrow, and inspire generations to serve the society? The quest of science is the quest of truth. Medicine is essentially a quest to unravel the mysteries of the human body. But medicine is not merely a science. As the famous physician and founder father of Johns Hopkins Hospital, Sir William Osler, has said, medicine is a science of uncertainty and an art of probability. It is this uncertainty which brings challenges to our medical profession, and it is this probability that spurs creativity. It is to this higher ideal that we must, all of us, endeavor. We are living in extraordinary times as of now. The COVID pandemic has overwhelmed our healthcare systems, tested the resilience of healthcare professionals, and questioned our priorities. Amidst all this, doctors and nurses have been the knights in shining armor, often risking their own lives to save others. We have gained immense respect and admiration from the civil society to have been christened as corona warriors and likened to the soldiers who are guarding the frontiers of the country. I believe that these bleak times are our finest hour, where our contribution to the nation and indeed to the mankind are needed more than ever before.
I thus exhort you to go forth and do your duty with dedication and honesty. I wish to close my speech with a thought that has always been my guiding principle. Always remember to be kind to the patients, humble about your education and about your degrees, and the world will be at your feet. As has been said in the Upanishad, Vidyam Dadati Vinayam, Vinayad Yati Patratam, Patravat Dhanmat Noti, Dhanat Dharmam Tat Sukham. True knowledge brings humility. Humility builds character. From character arises wealth. True wealth promotes dharma, and dharma, or righteous path, leads to happiness. I wish you all the very best as you all stand at the threshold of greatness. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान प्रोफेसर डी के शर्मा साहब आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए. प्रोफेसर सुनील प्रधान जी को मैं उनके उद्बोधन के लिए वर्चुअल मोड में आमंत्रित करना चाहूँगा. प्रोफेसर सुनील प्रधान जी, आज इस हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा उसके तीसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर, जो कि दून मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, मैं उनके आयोजकों को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने दीक्षांत समारोह के औचित्य को ध्यान में रखते हुए समय से कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए भी सारी सावधानियों के साथ ये आयोजन सफलतापूर्वक. इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा मुझे जो डॉक्टर ऑफ साइंस अमरीश कोजा की उपाधि प्रदान की, डॉक्टर हेमचंद्रा जी और कुलाधिपति माननीय राज्यपाल उत्तराखंड मैडम मौर्य जी का सदा आभारी रहूंगा. आज इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच डीएससी की उपाधि पाकर मैं अपने को एक छात्र जैसा ही महसूस कर रहा हूं, और ऐसा महसूस करता हूं जैसे मेरे चिकित्सा शिक्षा के प्रारंभिक दिन फिर वापस लौट आए हों. ऐसे में यदि मैं इस विश्वविद्यालय की अपनी तकनीकी क्षमता के अनुसार यदि भविष्य में कोई भी सेवा कर सकूं तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा. आज दीक्षांत समारोह का दिन है. आज के दिन बहुत से छात्र छात्राओं को डिग्रीज मिलेंगी, अवार्ड्स मिलेंगे. मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, और जिन छात्र छात्राओं को अवार्ड्स नहीं मिले हैं उनको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये चिकित्सा का क्षेत्र है. इस क्षेत्र में जो व्यक्ति कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन द्वारा अपने को परिश्रम करते हुए लगातार परिष्कृत और परिमार्जित करता जाता है, वही व्यक्ति आगे चल के सक्सेसफुल होता है. बस कुछ ऐसा ही लिखने को जी चाहता है, बिछुड़ेंगे तन पन फिर भी विषय वो कठिन से ना आते समझते. प्रोफेशनल लाइफ में भी अपना एक लक्ष्य रखें, और वो लक्ष्य इतना ऊंचा हो कि आप या तो वहां तक पहुंच ही ना पाए, या पहुंचें तो जीवन के अंत के समय में, जब आपके प्रोफेशनल कैरियर का एंड वाला समय होता है, वहां तब आप पहुंच पाएं. इतना ऊंचा लक्ष्य आपको अपना रखना चाहिए. यदि आपका लक्ष्य ही छोटा होगा तो आप वहीं तक सीमित रह जाओगे. दूसरा, जिस तरह आप अपने परिवारजनों के साथ व्यवहार करते हो और उनका उनकी खुशियां चाहते हो, उसी तरह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए आपका. उसका ही जीवन का आप अपने कार्य क्षेत्र में बिताते हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. एक लगभग जीवन का एक तिहाई हिस्सा आपको जहाँ काटना है, उस क्षेत्र में आपको सौहार्दपूर्ण व्यवहार आपका. यदि शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुनील प्रधान साहब आपके उद्बोधन के लिए. मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिखित पुस्तक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया का विमोचन करने की कृपा करें.
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिखित पुस्तक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, हमारा सौभाग्य है कि माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर उत्कृष्टता की शिखर की ओर अग्रसर है। माननीय कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र जी देश और दुनिया के अग्रणीय चिकित्सा विज्ञानियों में गिने जाते हैं। आप न सिर्फ चिकित्सा प्रशासन बल्कि मैनेजमेंट के भी आप फेलो हैं और उत्तराखंड में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का रीजनल चैप्टर प्रारंभ करने का श्रेय भी आप ही को जाता है। आप चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा प्रबंधन, पेशेंट केयर के दिशा में पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि प्रोफेसर हेमचंद्र जैसे कुशल हाथों में विश्वविद्यालय की बागडोर होने से विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर उत्कृष्टता के शिखर की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं शिक्षा सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्रीमान अमित नेगी जी उपस्थित हैं। मैं श्रीमान अमित नेगी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव श्रीमान अमित नेगी जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में यहाँ पर उपस्थित सर्वप्रथम परम आदरणीय माननीय कुलाधिपति महोदय जिनके द्वारा संदेश के माध्यम से आप सभी को आशीर्वचन दिया गया, यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्रा जी, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं शैक्षिक परिषद के माननीय सदस्यगण, मेरे फेलो कलीग्स डॉक्टर पंकज पांडे एंड मिस्टर युगल पंत, मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने वाले प्रोफेसर सुनील प्रधान जी, प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी, प्रोफेसर सौदान सिंह जी एवं डॉक्टर डी के शर्मा जी, यहाँ पर आज पुरस्कार पाने वाले समस्त मेधावी छात्र एवं छात्राएं, यहाँ पर समस्त दून मेडिकल कॉलेज एवं अन्य समस्त सम्मानित संकायगण, आमंत्रित अतिथिगण एवं मीडिया के मेरे मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को विश्वविद्यालय के आज थर्ड कॉन्वोकेशन समारोह की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय द्वारा माधव मानद उपाधि से अलंकृत किए गए सभी महानुभावों को भी बधाई देते हुए यह विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि वे समय समय पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य अनुभवों का लाभ हमारे इस छोटे से राज्य को देते रहेंगे। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले मेडिकल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मेरा ये अपेक्षा है, मेरा ये मानना है कि वे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में अपनी चिकित्सीय योग्यता से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी दक्षता से केवल अपना ही नाम पूरा उजागर नहीं करेंगे बल्कि इस विश्वविद्यालय का अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। मेरे आप सभी से यह अपेक्षा रहेगी बिकॉज जैसे पहले कहा गया है, इट्स अ वेरी नोबल सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन, सो कहीं ना कहीं आप लोग आज आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद अब आगे दुनिया में जब निकलेंगे बहुत सारी ऊंचाइयों को आप छुएंगे, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो बेस हमेशा हमारा एक मानवता का बेस होना चाहिए। आप लोगों को बहुत सारी ऊंचाइयां मिलेंगी, बहुत सारे जो भी आपने ख्वाब स्वप्न देखे होंगे पूरे होंगे, लेकिन हमेशा एक जो मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मानवीय संवेदनशीलता हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस उपाधि जो आपको आज मिल रही है, इससे आप कितने अनगिनत गरीब लोगों का, कितने अनगिनत पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भला कर सकते हैं, वो हमेशा आपके संज्ञान में रहना चाहिए बिकॉज उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो हमेशा आपको लाइफ में आगे ले जाएगा और हमेशा जो एक सेटिस्फैक्शन उस चीज़ से आपको मिलेगा, प्रॉब्ली वो चीज़ उस सेटिस्फैक्शन को कोई अन्य चीज मैच कभी कर नहीं पाएगी। मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर एमसी पंत जी की स्मृति में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार एवं चयनित विद्यार्थियों को भी बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिकित्सा विभाग के द्वारा बहुत सारे अग्रणीय कार्य किए जा रहे हैं। आपके सभी के संज्ञान में है कि हम लोग
करीब 3 मेडिकल कॉलेजेस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं जिसको हम लोग बहुत शीघ्र ही संचालित करेंगे अगले 2-3 सालों में। उन सब की DPR हमारी लगातार बन रही है। आपके सारे रिमोट एरियाज में बहुत कम थे, इनफैक्ट जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई उस समय भी डॉक्टर्स काफ़ी कम थे, लेकिन आज हम ऑलमोस्ट 70-80% पे हम डॉक्टर स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो नर्सेस हमारा कई समय से काडर नहीं बना था, काडर में भर्ती भी नहीं हुई थी, अभी हम ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट में करीब हमें 1400 नर्सेस के पोस्ट दिए गए हैं। इससे मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी जो दूरस्थ क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होंगी। देखिए आप और हमारे लिए, बिकॉज हम लोग वी लिव इन अ सिटीज, तो हमारे लिए इट्स वेरी इजी कि हमारे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग एक्सेस कर पाए, बिकॉज बट इन दिस कंट्री ऑफ अराउंड 120 करोड़ पीपल, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल व्हिच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, जिसको हम लोग आराम से मान के चलते हैं कि हमें मिलेगी। तो राज्य सरकार का ये प्रयास है कि हमारे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या अन्य जो हमारे क्षेत्र हैं, सभी जगह हम लोग क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देंगे। इसके फर्स्ट पैरामीटर्स ऑब्वियसली आपका एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिक कार्डर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम लोग डॉक्टर्स लगातार भर रहे हैं। हमारी मेडिकल चयन सेवा बोर्ड से करीब डॉक्टर्स की विज्ञप्ति निकली है, करीब 300-400 डॉक्टर्स हमें दिसंबर एंड तक मिलेंगे, 1400 नर्सेज मैंने बताई हमें ऑलमोस्ट, वो भी करीब आपका जनवरी फरवरी हमें मिल जाएंगे। सो इस पूरे कार्डर से हम लोग अपनी स्वास्थ्य सेवा को बहुत सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ कोविड ऑब्वियसली हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत चैलेंज है, मोस्ट 82% है, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। एक PPE किट पहन के आपको उस जगह पे एंट्री करना, एंड पॉसिबली फॉर आवर्स आपको पेशेंट के साथ रहना पड़े एट द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग योर फैमिली ऑल्सो। सो इट्स अ कमेंडेबल जॉब दे डूइंग, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज गिवन देम द एपिथेट ऑफ कोरोना वॉरियर्स। तो ये बहुत एक नोबल प्रोफेशन में आज आप लोग एंट्री कर रहे हैं, और हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा व्यू है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ करेंगे, अपने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म्स में हो, चाहे मैन पावर की टर्म्स में हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग चाहेंगे कि हमारी सर्विसेज बेंचमार्क हो, यानी कि वट एवर सर्विसेज वी आर गिविंग टू द ऑर्डिनरी पीपल उसमें एक सर्टन क्वालिटी हो, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का यदि लाभ उठाता है, सो ही विल गेट द बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। ये स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हमारा अपना एक विजन है। मैं इसी के साथ आपका जो आज यहाँ पर डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे MBBS के साथ साथ विभिन्न MD MS पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और अगले सत्र से विभिन्न विशेषताओं में DNB पाठ्यक्रम भी आरंभ किए जाने का भी हमने लक्ष्य रखा है, ताकि हमारे पास स्पेशलिटी डॉक्टर्स नंबर्स काफ़ी बढ़ जाए। हमारे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बताना चाहूँगा, कोरोना को फाइट करने के लिए हमने विभिन्न कमिटीज बनाई है जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अक्रॉस द कंट्री को स्टडी करते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड इनफैक्ट स्टडी करते हैं, उसके बाद उस प्रोटोकॉल को हम लोग अपने सर स्टेट्स में जितने भी हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं या डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उसको हम लागू करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अब बताना चाहूँगा कि ऐसे मैंने पहले कहा, हमारे मेडिकल चयन बोर्ड के माध्यम से विभिन्न संकाय के लिए लगातार हमारे एडवर्टीजमेंट निकले हैं, और हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन चल रहा है। मैं हमारे प्रोफेसर साहब के, कुलपति साहब के बारे में बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अनुभवी हमारे कुलपति जी हैं और बहुत ही मेहनती हैं। आपसे ऑलमोस्ट 4 महीने का इंट्रैक्शन मेरा रहा है, एंड आपकी नॉलेज वाकई में एग्जेम्पलरी है। ही इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ पीपल टू फॉलो। आपने पर्सनली हर चीज़ में मैंने देखा, लगातार गवर्नमेंट ने यदि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है तो आपने उसको बहुत बहुत मेहनत से, बहुत कायदे से उसको शोल्डर किया है और अपने अंजाम तक पहुंचाया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके अनुभवों से स्पेशली कोविड में स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा हुआ है, जैसे कि माननीय कुलपति के द्वारा आपको बताया गया, राज्य सरकार के द्वारा एक लैंड आइडेंटिफाई की गई है, और शीघ्र ही हम लोग वहाँ पर अपना इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल और मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस बनाएंगे। इसके लिए हमारी DPRs भी गठित हो गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शीघ्र उस पर अनुमोदन दिया जाएगा। मैं अंत में पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आज जितने यहाँ से बच्चे पास आउट होने हैं, पुनः आप सभी को शुभकामना देना चाहूँगा। अगेन इट्स अ गोल्डन करियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। आप सभी की शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स की शुभकामनाएं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आपको इस मुकाम पर पहुँचाया है। मेरा अनुरोध लास्ट में आपसे यही रहेगा कि हमेशा अपनी मानवता को हमेशा सजग रखिएगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू अचीव इन लाइफ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप 60 साल के 70 ईयर्स के हैं, यू शुड लुक बैक एंड प्रॉब्ली यू शुड फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट देर आर सर्टन थिंग्स यू अचीव इन लाइफ विच आर यू नो वर्थ रिलिशिंग वर्थ अचीविंग। उसी के साथ मैं आप सभी का, आज आप यहाँ पर आए हैं, खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने इतना अपना बहुमूल्य समय में दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अमित नेगी जी, आपके संबोधन के लिए। आपने सरकार की स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का जिक्र किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आज हम सबके समक्ष राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी
हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। आपकी सरकार के आपके गवर्नेंस का जो मॉडल रहा है वह TSR के सिद्धांत पर आधारित है। TSR यानी कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शी सरकार, जिसके अंतर्गत जीरो टॉलरेंस के तहत आपने ट्रांसफर एक्ट सर्वप्रथम प्रदेश में लागू किया। CM डैशबोर्ड उत्कर्ष के माध्यम से जनता की शिकायतें सुनवाई की। CM हेल्पलाइन 1905 आपकी शिकायतों के लिए हमेशा उपलब्ध है। ई टेंडर, ई ऑक्शन, ई गवर्नेंस, ई कैबिनेट, ये सारे कार्यक्रम राज्य सरकार के ट्रांसपेरेंसी आपके गवर्नेंस के टी को प्रदर्शित करते हैं। आपके गवर्नेंस का दूसरा मॉडल है सेंसिटिविटी यानी संवेदनशील जन सरकारों के प्रति संवेदनशील सरकार, जैसा कि श्रीमान अमित नेगी जी जिक्र कर रहे थे। उसके तहत आपने आयुष्मान भारत के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कराई। ग्रोथ सेंटर के माध्यम से क्षेत्रीय उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना तथा शहीद सैनिकों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी प्रदान करने के साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में मिट्टी से बाजार तक की योजना आपकी प्रमुख रही है, जिसके अंतर्गत सरकार की संवेदनशीलता प्रदर्शित होती है। निजी रूप से आपकी संवेदनशीलता, पिथौरागढ़ में एक बारात में फूड पॉइजनिंग हो गई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना सरकारी विमान उपलब्ध कराया ताकि पीड़ितों को हायर सेंटर पर तत्काल भेजा जा सके। एक अध्यापक गोपेश्वर से मंडल जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको हायर सेंटर के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन सरकार के तौर पर आपकी संवेदनशीलता आपके निर्णयों में, आपके दूरगामी निर्णयों में स्पष्ट रूप से झलकते हैं। और आपके गवर्नेंस का जो तीसरा मॉडल है वो है रिस्पॉन्सिव यानी कि जन सरकारों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार, जिसके अंतर्गत पहली बार राज्य के गठन के बाद पहली बार पलायन आयोग का गठन किया गया और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आपने 13 डेस्टिनेशन के रूप में टूरिस्ट को नई पहचान और टूरिस्ट और पर्यटकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में नया कार्यक्रम संचालित किया। ग्रामीण अंचलों तक हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए आपकी सरकार समर्पित है और इसके साथ ही हिमालय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मसूरी संकल्प पत्र तैयार करने की दिशा में आपने पहल की। आपकी सरकार जन जन के द्वार तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने अल्मोड़ा में, टिहरी में और पौड़ी कमिश्नरी में कैबिनेट बैठकों का आयोजन कर जन सरकारों के लिए संकल्पित एवं समर्पित सरकार को TSR गवर्नेंस मॉडल आज देश में तेजी से उभर रहा है और देश के कई राज्य आपके इस TSR मॉडल को अपना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस TSR गवर्नेंस मॉडल के जनक, जनप्रिय, लोकप्रिय राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर एवं सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। हेमती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर हेमचंद्र जी, सचिव स्वास्थ्य शिक्षा एवं फाइनेंस जिनका अभी आपने उद्बोधन सुना, श्री अनिल अमित नेगी जी, अन्य कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं जिनको आज यहाँ पर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, ऐसे सभी सम्मानित उपस्थिति, डॉक्टर कुड़ियाल जी हमारे बीच में हैं और पत्रकार मित्रों, मैं आज आप सबको बहुत बधाई देता हूं जिनको आज यहां पर विश्वविद्यालय के द्वारा उपाधियां प्रदान की गई हैं और एक तरह से आपने एक नए जीवन की शुरुआत अब आपको करनी है। आज मुझे बताया गया कि यहां पर अध्ययनरत 922 विद्यार्थियों को डिग्री बांटी जा रही हैं, जिनमें MD, MS, MBBS से लेकर नर्सिंग कोर्स तक शामिल हैं। मैं एक बार फिर आप सबको इन विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ये विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित हुआ और इन 6 वर्षों में विश्वविद्यालय ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में नए नए आयामों को छूने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व की भी बात है कि तमाम जो शिक्षार्थी हैं, तमाम जो शिक्षक हैं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को गरिमा प्रदान की है, ये टीम वर्क से ही ये संभव हो सकता है। और एक अच्छी टीम वर्क का वर्किंग का उदाहरण हम मान सकते हैं कि हमारा ये विश्वविद्यालय है। ये 2020 हमारे लिए बड़ा और पूरी दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष चल रहा है, और जब हम इसको चुनौती वाला वर्ष मानते हैं तो सब स्वाभाविक रूप से एक ही ख्याल दिमाग में आता है कि कोविड के कारण तमाम तरह की दिक्कतें आज दुनिया भर में उत्पन्न हुई हैं, और तमाम जो हमारे जीवन के आयाम हैं जिनसे हम लोग एक सुदृढ़ पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राज्य या राष्ट्र का जीवन हो, जिनसे बनता है, उन सब को इस महामारी ने अपनी आगोश में लिया है। और उसके कारण हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई, हमारे डॉक्टर्स ने उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के लोग हों, छोटी छोटी आशाएं हों हमारी, आंगनबाड़ी हों, तमाम लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां इसमें दी हैं। मुझे लगता है कि सैकड़ों डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुति इस महामारी से लड़ने के लिए अभी तक दे दी है। हम उनको भी आज यहाँ पर याद करते हैं, उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से उनके इस बलिदान से आज हम यहाँ पर बैठ पा रहे हैं और दुनिया एक आशावादी जीवन जी रही है। आज नहीं, कल हम इस कोविड पर विजय पाएंगे, अगर ऐसा हम अगर सोच पा रहे हैं तो केवल और केवल डॉक्टर्स की वजह से, मेडिकल साइंस की वजह से। हमको विश्वास है कि हमारे डॉक्टर्स इसका समाधान बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, और अब तो समाधान भी सामने आ रहा है। अब तो वैक्सीन भी तैयार हो गया है, बहुत जल्दी उपलब्ध होगा, और उसमें भी आप सबकी सेवाएं निश्चित रूप से, और आपके विचार कि कैसे। मैं अभी अपने अमित नेगी जी से कह रहा था अभी 5-6 दिन पहले कि अब हमको ये प्लान करना चाहिए कि हम इस वैक्सीन को प्रॉपर जगह तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए आप लोगों के दिमाग में भी कोई सुझाव होंगे। हमारी नई पीढ़ी है, बहुत अच्छा सोचती है, बहुत अच्छा हाईटेक है, इसलिए वो बहुत एडवांस सोचते हैं। तो कोई सुझाव आपके बीच में हो तो आप सुझाव दीजिए। अभी हमने 3 दिन पहले एक मीटिंग की थी और मैंने कहा कि जितने भी हमारे, एक तो कोविड वॉरियर्स हो गए और एक कोविड विनर हो गए, जो इस महामारी से जीत कर आगे बढ़ चुके हैं, वो एक आशा का संदेश दे सकते हैं, एक विश्वास का संदेश दे सकते हैं। जैसे हम लोग मजबूती से आज उस बीमारी से निकल कर बाहर आए हैं, ऐसे सारा समाज इससे लड़ करके बाहर आ सकता है, और एक आशा और विश्वास का संदेश उनके माध्यम से दिया जाए। उसमें हम तमाम तरह की प्रतियोगिताएं करने जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने अनुभव शेयर करें, आने वाली जनरेशन के काम आएंगे। आज से हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, आज जो आप इसके बारे में अपने सुझाव देंगे, आपने जो अपने अनुभव इस दौरान प्राप्त किए हैं, वो अनुभव हो सकता है कि आने वाले समय में काम आए। तो एक तो उस पर कोई आर्टिकल, कोई लेख, जो लिख सकते हैं वो लेख लिखे, जो खेल सकते हैं वो खेलें अपने खेल के माध्यम, जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ें, कोई म्यूजिक म्यूजिशियन है तो म्यूजिक अपने म्यूजिक के माध्यम से संदेश दे सकता है, कोई कवि है तो अपनी कविताओं के माध्यम से इस कोविड की जो महामारी से जिससे हम गुजर रहे हैं उससे उबरने का संदेश दे सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं आपके बीच में आया हूँ, 3 दिन पहले ही हमने इस पर निर्णय लिया है। इस बारे में आप सब लोग अच्छा सोचेंगे और इस आपके अनुभवों का लाभ और लोग भी इसका लेंगे, और तमाम जो हमारे लोग जो अभी एक तरह से भय के वातावरण में हैं, लोग निकल रहे हैं बाहर लेकिन अभी कहीं ना कहीं भय है, क्योंकि जब भी कहीं पर हम बैठते हैं तो कोविड नजर आने लगता है, ये मास्क नजर आने लगता है। आजकल लोग कहते हैं कि होंठों से नहीं, अब आंखों से मुस्कुराइए।
चेहरा तो देख ही नहीं पा रहे हैं, कई दिनों से किसी का चेहरा देखा ही नहीं, पूरा चेहरा, साथ रोज बैठ रहे हैं साथ में, चेहरा जैसे भूल सा जा रहे हैं। ऐसे में जब इस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौर आशाओं भरा होना चाहिए, और वही आशाओं का संदेश, वही विश्वास का संदेश हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिता करके, इस तरह के कार्यक्रम करके हम दें समाज को, ताकि समाज फिर एक बार खड़ा हो सके और इस दौर से मुक्ति पा सके। स्वास्थ्य, मैंने दूरस्थ पहाड़ी गांव में मैंने जन्म लिया, और मेरे पिताजी ने पीएससी के लिए अपना भवन दिया था, 10 साल में एक बार किराया मिल जाता था, लेकिन डॉक्टर्स की बड़ी समस्या रहती थी। और मैंने अपने सामने ये कह सकूं कि मौत को सामने देखा डॉक्टर्स के अभाव में, और ऐसा मैंने कई बार देखा है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सामाजिक जीवन रहा शुरू से ही, और तमाम समय की दुख दुर्घटनाओं में मैंने तमाम तरह की दुर्घटनाएं देखी हैं, और लोगों को ऐसे मरते देखा है कि कोई देखने वाला नहीं है। उठा रहे हैं, किसी को गाड़ी से गिर गए, बस गिर गई, उठा रहे हैं, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, डॉक्टर्स के बाँह पहुँच नहीं पाए, ब्लड डोनेशन करने वाले हैं लेकिन ब्लड बैंक नहीं है, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। एक बार तो मुझे याद है कि श्रीनगर में जब मैं पढ़ रहा था तो ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोगों ने लगाया सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। डॉक्टर ने कहा हम रखेंगे कहाँ, हमने कहा नाली में फेंक देना, लेकिन हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। आप आश्चर्य करें, 4 लोगों ने हमने ब्लड डोनेशन किया था, इतनी जरूरत भी उस समय नहीं थी, व्यवस्था भी नहीं थी, उन्होंने कहा पौड़ी से लेने श्रीनगर आए थे और ब्लड नाली में गया, लेकिन हमने क्या शुरुआत करी। लेकिन वो शुरुआत जो हमने करी थी, आज जब हम उसका परिणाम देखते, जब धीरे धीरे व्यवस्था हुई, आज वहाँ पर ब्लड की कोई कमी नहीं है, और उत्तराखंड में आज हमारे पास 20% अपनी आवश्यकता के 20% सरप्लस ब्लड डोनर्स आज हमारे पास है, 20% सरप्लस आज हमारे पास है। और इसलिए स्वास्थ्य की किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह से लोग अभाव में अकाल ही काल के ग्रास बन जाते हैं, उन चीज़ों को हमने देखा। और जब मैं इस राज्य की जिम्मेदारी आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिली, तो मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी स्वास्थ्य को दी। 1000 के करीब डॉक्टर उस समय हमारे पास थे, मैंने आर्मी चीफ से लेकर के तमाम, मैंने कहा कहीं से भी लाइए, उड़ीसा में भी 6ठा वेतनमान मिल रहा है, वहाँ से डॉक्टर आ सकते हैं तो वहाँ से लाइए, दक्षिण में मिलते हैं दक्षिण से लाइए, लेकिन मुझे डॉक्टर चाहिए। और उस प्रयास के कारण आज स्थिति हमारी हुई कि लगभग 2500 डॉक्टर आज हमारे पास हैं, 4-100 डॉक्टर हम बहुत जल्दी भर्ती करने जा रहे हैं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज 3 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं, एक चलने की स्थिति में अल्मोड़ा, बहुत जल्दी इस बार शुरू हो जाना था लेकिन कोविड के कारण हम शुरू नहीं कर पाए। 3 मेडिकल कॉलेज हमारे और भारत सरकार ने हमको स्वीकृत किए हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता और अधिक है। अगर हम सबको वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमारी और अधिक डॉक्टर्स की आवश्यकता हमको भविष्य में होगी, भविष्य में हमको और डॉक्टर्स की जरूरत होगी। उसके लिए आप सब लोग तैयार हो रहे हैं, आप सबकी सेवाएं अपने अपने राज्यों को, क्योंकि यहाँ पर हमारे राज्य के बाहर से भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर पास आउट हुए हैं, उनको भी अपने राज्यों में निश्चित रूप से सेवा का मौका मिलेगा, चाहे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हो। आज देश में नंबर 1 की स्वास्थ्य अगर आयुष्मान योजना के अंतर्गत रहा है तो उत्तराखंड को उसका सम्मान मिला है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से हो। शुरू में कुछ लोगों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया, हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, उसके बाद तमाम गड़बड़ियां जो हो रही थी वो पूरी तरह बंद हो गई। चाहे डॉक्टर्स का पेमेंट करने का होगा या संख्यात्मक दृष्टि से होगा, हमने पूरे उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के सुरक्षा कवच हमने उनको सबको दिया है, उसका परिणाम भी अच्छा आया है और संतुष्टि होती है, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं है, पूरी संतुष्टि नहीं है। पूरी संतुष्टि उस दिन होगी जब हमारा कोई भी बंदा डॉक्टर के अभाव में, देखो मौत तो होनी है, आज होनी है, कल होनी है, परसों होनी है, लेकिन कम से कम उसको चिकित्सक एक बार उसको हाथ लगा दे, एक बार चिकित्सक तक वो पहुंच जाए। हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, आज हम कल परसों तक एक डॉक्टर साहब को अटैक पड़ गया पौड़ी में,
और भगवान की दया से सफल ऑपरेशन हो गया। वो मुझे आज सुबह डॉक्टर का फोन आया कि वो एकदम ठीक हैं और कुछ दिन बाद अपनी सेवाएं फिर देंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। इस तरह के हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई अगर इस तरह की कोई घटनाएं घटित होती हैं तो कोई नहीं, अगर राज्य सरकार के पास कोई सुविधा उपलब्ध है, इस प्रदेश की लोगों की खून पसीने के पैसे से वो सुविधाएं हमने उपलब्ध की हैं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और सच बात है कि हेली सर्विस बहुत महंगी नहीं है। अगर अपना हेलीकॉप्टर है तो कोई महंगा नहीं है, एक घंटे का 10,000 रुपये खर्चा आता है। पायलट को आपने तनख्वाह देनी है, चाहे वो घर में बैठे रहे चाहे उड़ाता रहे, उसको देना है आपने। एक घंटे का तेल का खर्चा 10,000-11,000 रुपये आता है। अगर माना उसने 2.5 घंटा उसने तेल लगाया, 25,000 का तेल लग गया और किसी का जीवन बच गया तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? और इसलिए हम कभी हिचकता नहीं हूँ। जब भी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे, मैं इलेक्शन के दौरान की बात है, मैं इलेक्शन पे था, लोकसभा का चुनाव था, मैं पौड़ी में था, वहां मुझे फोन आया कि गोपेश्वर में इसी तरह जिसका आपने जिक्र किया कि वहां इस तरह की एक हो गया, उसका जीवन बच सकता है। मैंने कहा मैं थोड़ा लंबा भाषण कर लूंगा सभा में, कोई बात नहीं, पायलट जाए उसको ले आए, जीवन बच गया उसका। ये जो बागेश्वर का जिक्र करते, 42 लोगों का जीवन बचा। उस दिन मैं दिल्ली से आ रहा था, सुबह सुबह दिल्ली में था मैं, और मुझे फोन आया कि इस तरह से बागेश्वर में फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैंने एक प्रोग्राम में मसूरी के पास जाना था, मैंने पायलट को कहा भैया यहीं पर लैंड कर लो, तुम वहां जाओ, मैं यहां से बाई रोड चला जाता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा एक आध घंटा लेट प्रोग्राम होगा लेकिन आप जाइए। 42 लोगों की जान बच गई, उसमें 3 महीने का भी एक बच्चा था। मैं देखने गया फिर उनको देखने के लिए, एक 3 महीने का बच्चा भी उसमें था। अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें जब तक सबकी संवेदनाएं, सबकी भावनाएं इससे नहीं जुड़ती, मेरी भावना से कुछ नहीं होगा, अकेले की भावना से। इसमें हमारे डॉक्टर्स है, नर्स है, वार्ड बॉय है, जब सबके दिमाग में ये ना हो कि भाई हमने इस पेशेंट को जीवित करना है, रखना है, हो जाता है। आज हम कोविड में भी देख रहे हैं, सीनियर डॉक्टर का हाथ लग जा रहा है, पेशेंट वापस जीवन उसका वापस मिल जा रहा है। सीनियर डॉक्टर ने एक बार हाथ लगा दिया, उसको लगता है सीनियर डॉक्टर मुझे देखने आया, इतने में उसको खुशी होने लगती है, इतने में उसको लगता है कि मैं निकल जाऊंगा इस जीवन मृत्यु के संघर्ष से, मैं जीवन की ओर निकल पड़ूंगा, ऐसा उसको एहसास होता है। और इसलिए सबका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं अपने जो कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मैंने अभी एक दिन पेशेंट से बात किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो एक पेशेंट बहुत इमोशनल हो गया, कहने लगा कि अब हमको पता चल रहा है कि डॉक्टर्स देवता क्यों हैं। कहता 4-4 घंटे पीपी किट पहन करके जो तपस्या कर रहे हैं, हाँ उसकी वजह से हम जीवित हैं। ये मैंने उनसे बात किया, कोविड पेशेंट से जो हॉस्पिटल में बात किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आज डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स का क्या महत्व है, इस कोविड की महामारी में डॉक्टर ने वास्तव में जो देवदूतों की भूमिका निभाई है उसको कभी भूला नहीं जा सकता, कभी नहीं भूला जा सकता है। जो भूलेगा वो कृतज्ञ कहलाएगा, वो कृतज्ञ कहलाएगा, पहचान फरोश कहलाएगा। और इसलिए जो भूमिका निभाई है, मैं समझता हूं कि उसके कारण आज हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं और दुनिया के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एक बार फिर मैं आप जितने उपाधि धारक हैं, विशेषकर हमारी जो नई जनरेशन है, मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह से अपनी सेवाएं देते रहें। यहां पर डॉक्टर साहब ने कुछ एक डिमांड की है अप्रोच रोड की, पांडे जी ने, तो इसको हम घोषणा कर रहा हूं मैं, आप दे दीजिएगा। एसडीएम साहब यहां पर होंगे तो उसको नोट कर लेंगे, तो आप दे देंगे तो हम इस आपका ये कर लेंगे, और बहुत जल्दी आपके नए भवन के लिए भी कुछ और जो व्यवस्थाएं वो करेंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके आशीर्वचन के लिए। अभी कुलाधिपति महोदय का अभी भाषण होना है, सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कृपया आप बने रहें। माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तराखंड श्रीपति बेबी रानी मौर्य महोदया, मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में आज हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए वर्चुअल रूप में उपस्थित हैं। आपके नेतृत्व में राज्य की विश्वविद्यालय शिक्षा गुणात्मक सुधार की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उत्तराखंड के राज्यपाल का दायित्व ग्रहण करने से पूर्व आपको प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र का लंबा अनुभव प्राप्त है।
आपको वर्ष 1995 में आगरा महानगर का प्रथम महिला महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त है। आप वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य की सामाजिक कल्याण परिषद की माननीय सदस्य रही और वर्ष 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय सदस्य रहते हुए आपने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए। सामाजिक कल्याण के कार्यों को आप नव चेतना जागृति संस्था के माध्यम से समाज के पिछड़े वंचित एवं अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग में विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए पिछले कई दशकों से संचालित कर रही हैं। सेवा भारती के माध्यम से आपने बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया। समाज में आपके द्वारा संपादित जन कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के कारण ही आपको वर्ष 1996 में समाज रत्न, 1997 में उत्तर प्रदेश रत्न, 1998 में रानी रत्न से सम्मान एवं अलंकृत किया गया। दीक्षांत संबोधन हेतु में बड़े आदर एवं सम्मान के साथ माननीय कुलपति महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति व समस्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को भी विशेष बधाई देती हूँ जो आज वर्षों के परिश्रम व लगन के बाद चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल की उपाधि प्राप्त करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों की सफलता के पीछे उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों का अथक परिश्रम व धैर्य है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दीक्षांत समारोह एक अवसर है जब विद्यार्थियों के वर्षों की परिश्रम, लगन व अथक प्रयासों को सम्मानित किया जाता है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि दीक्षांत समारोह मात्र औपचारिकता नहीं है बल्कि प्रण लेने का दिवस है। चिकित्सा का क्षेत्र समाज सेवा को समर्पित पेशा है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने का कार्य ही सच्ची समाज सेवा है। नए चिकित्सकों से अपेक्षा है कि वे विशेषकर उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। रोगियों को अच्छा उपचार देने के साथ ही उनसे स्नेहपूर्ण व मित्रवत व्यवहार रखेंगे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा देहरादून में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर को गोद लिया गया है। इस प्रयास से स्थानीय लोगों को अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। विश्वविद्यालयों को अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़ना होगा। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सेवा की भावना आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नए नए शोध हो रहे हैं। इन नवीन अनुसंधानों तथा चिकित्सा पद्धतियों का लाभ सभी रोगियों को मिलना चाहिए। आपको प्रत्येक दिन अपने चिकित्सा ज्ञान को बढ़ाना व मजबूत भी करना चाहिए। COVID-19 महामारी चिकित्सा जगत के समक्ष एक नई चुनौती है। कोविड महामारी ने चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को प्रकट किया है, लेकिन इस महामारी ने चिकित्सा विज्ञान की शक्तियों और क्षमताओं का आभास भी करा दिया है। आज संपूर्ण विश्व के चिकित्सक, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना योद्धाओं के रूप में कोविड से प्रभावित होने वाले लोगों के जीवन को बचाने में अपना अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मेरा चिकित्सकों से आग्रह है कि COVID-19 के संकट काल में अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों, विशेषकर महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाए। उन्हें समय पर उपचार मिले। गर्भवती महिलाओं को भी समय समय पर सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुझे बताया गया है कि अब अध्ययनरत चिकित्सक विद्यार्थियों का दक्षता
आधारित मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसमें छात्र छात्राओं के लिए एक माह का फाउंडेशन कोर्स भी आरंभ किया गया है। भावी चिकित्सकों को मेडिकल की शिक्षा के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा की दक्षता, स्थानीय भाषाओं एवं शारीरिक प्रशिक्षण व योगा आदि का भी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड में सेवा देने वाले डॉक्टर्स को राज्य की स्थानीय भाषाओं गढ़वाली, कुमायूं आदि का भी ज्ञान होने के कारण इससे स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें डॉक्टर्स तथा मरीजों के मध्य बेहतर संवाद कायम होगा तथा डॉक्टर अपने मरीजों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से समझ पाएंगे तथा उन्हें बेहतर उपचार भी दे पाएंगे। विश्व के सभी समाजों में डॉक्टर और नर्सों को बहुत आदर और सम्मान मिलता है। भारत में तो इन्हें ईश्वर माना जाता है। डॉक्टर को भी समाज की इन भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार पुनः सभी विद्यार्थी जो अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हमारे नर्स पैरामेडिकल के भी जो विद्यार्थी अपने अपने जिस क्षेत्र में जाएं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ तथा विश्वविद्यालय को उच्च कोटि का चिकित्सा संस्थान बनाने की अपेक्षा करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल, माननीय कुलाधिपति हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, आपके आशीर्वचन के लिए। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से दीक्षांत समारोह में हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। पुनः माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव श्रीमान अमित नेगी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन कि उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव श्रीमान अमित नेगी जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। साथ ही डीएससी की मानद उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रोफेसर डीके शर्मा जी के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर श्रीमान डीके शर्मा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मानद उपाधि से अलंकृत प्रोफेसर डॉक्टर डीके शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रोफेसर डीके शर्मा जी का अभिवादन करें। पुनः माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि मानद उपाधि से अलंकृत प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मिश्रा जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मिश्रा जी को जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। साथ ही माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रोफेसर सौदान सिंह जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय, मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। मंच पर उपस्थित समस्त महानुभाव, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समस्त उपस्थित मेरे प्यारे साथियों को हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदया एवं उत्तराखंड राज्य की महामहिम राज्यपाल महोदया के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महोदया, हम अपने बीच आपकी
गरिमामयी उपस्थिति से स्वयं को गौरवान्वित, ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आयोजन के लिए अपना बहुमूल्य समय देने एवं अपने उत्साहवर्धक संबोधन से छात्रों को आशीर्वचन देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं मानद उपाधि से अलंकृत होने वाली विभूतियों प्रोफेसर सौदान सिंह, प्रोफेसर डीके शर्मा तथा प्रोफेसर संजीव मिश्रा का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से विश्वविद्यालय हेतु समय निकाला और छात्रों का मनोबल बढ़ाया। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर प्रतिभाग करने हेतु श्री अमित सिंह नेगी जी, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी, प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, एवं श्री युगल किशोर पंत जी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के समस्त वित्त समिति सदस्यों, शैक्षिक परिषद सदस्यों एवं कार्य परिषद सदस्यों को उनकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए अपना धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल, वित्त नियंत्रक श्री खजान चंद्र पांडे एवं विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों तथा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को सफल बनाने हेतु किए गए अथक प्रयासों और बहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ। अंत में मैं अपने पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस आयोजन को एक शानदार सफलता दिलवाई। राष्ट्रगान के बाद मैं आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं। मैं कुलाधिपति महोदया की आज्ञा अनुसार हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी अतिथियों से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी एवं अतिथियों से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। शोभा यात्रा के विपरीत क्रम में सबसे आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके पश्चात माननीय कुलपति महोदय, कुलपति महोदय के बाद सचिव चिकित्सा शिक्षा, उसके बाद मानद उपाधि से अलंकृत होने वाली विभूतियां, उसके बाद कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण और अंत में विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण होंगे। तो सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कृपया अपनी जगह पे बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रेस से बात करने के बाद ही शोभा यात्रा का विपरीत क्रम चालू होगा। सभी अतिथियों से विशेष तौर पर कार्य परिषद के सदस्यों, विद्या परिषद के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब प्रेस से बात कर लेंगे तो उसके बाद शोभा यात्रा का विपरीत क्रम चालू होगा। हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में
श्रीमान पंकज पांडे जी, प्रभारी सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रोफेसर जुगल किशोर पंत जी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, प्रोफेसर आशुतोष सयाना जी, प्रिंसिपल दून मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर प्रदीप भारती गुप्ता जी, प्रोफेसर डॉक्टर कुड़ियाल साहब, प्रोफेसर CMS रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। Thank you.
संपन्न हुआ। आप सभी दोपहर के भोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आमंत्रित हैं। सभी पत्रकार बंधु बगैर भोजन के कोई प्रस्थान न करें। सभी विद्यार्थी और अतिथियों से एवं विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि दोपहर का भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही आप प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भाषण है ना, अंदर खोलिए ना, अंदर तीन बुकलेट और ये। अच्छा हाँ, अंदर है। कितने पास हुए, कितने क्या रहा? सब है उसमें, बुकलेट में सब कुछ है।